हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्लॉग। तो शुरू करते हैं अपने एक और जर्नी। जहाज हमारी ट्रेन को पुल करेगा ये वेब 5 लोकोमोटिव इंजन। ऑलमोस्ट ट्रेन का टाइम हो चुका है, जाता है कोटद्वार। ट्रेन में पानी चेक करते हैं, पानी तो आ रहा है बट आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है, जो ट्रेन से होने वाली है, इसका डिस्टेंस होने वाला है अराउंड 283 किलोमीटर्स का। जो चलती है ट्रेन, चलती है आनंद विहार से, सो जो लास्ट स्टॉप है वो है कोटद्वार। तो चलते हैं पहले प्लेटफॉर्म पर, दिखाता हूँ ट्रेन कौन सी है, ICF कोच है कि LHB कोच है, जाके पता चलेगा अभी वो प्लेटफॉर्म पर। गाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अभी टाइम हो रहा है 9:30, टाइमिंग जो है इसका है 9:45 का है। चलते हैं पहले प्लेटफॉर्म पर। वो जो सामने आप देख रहे हैं उधर, वो हमारा है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। अभी जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ। अभी हम कराते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी चेक इन, हम अंदर जाएंगे उसके बाद प्लेटफॉर्म पर सामान ले लेते हैं अपना फटाफट। हम हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर लगी है जाके पता करते हैं। अभी हम पहले सामान ले लिया हमने अपना, भी यहाँ से जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। सामने लिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 2, चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये सामने लगी है हमारी ट्रेन, कोच है LHB, ICF कोच नहीं है। जहाज हमारी ट्रेन को पुल करेगा ये वेब 5 लोकोमोटिव इंजन, मतलब रफ्तार ज़्यादा होने वाली है नहीं हमारी ट्रेन की। सेमी स्पीड ट्रेन है, इसका मतलब है ज़्यादा रफ्तार चलेगी है नहीं। और टोटल डिस्टेंस जो हमारा है अराउंड 283 किलोमीटर्स का, वो भी समथिंग 5.5-6 घंटे लगाती है ट्रेन। जाके पहले बैठते हैं सीट पर, जाते हैं। ट्रेन का टाइमिंग है 9:45 का, 9:35 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन संख्या 14089 14089 14089, चलती है आनंद विहार टर्मिनल से। तो चलते हैं फिलहाल, अभी फ़िलहाल हम कोच के अंदर अपने। तो ये हमारा कोच है S4, अभी चलते हैं इसके अंदर हम। तो ये है हमारा कोच स्लीपर क्लास, हमारी सीट है इसमें। जाके अपनी सीट ढूंढते हैं और जाके बैठते हैं अपनी सीट पर हम। ऑलमोस्ट ट्रेन का टाइम हो चुका है, अभी ट्रेन निकलने वाली है 1 मिनट के अंदर। देखते हैं यहाँ से सही टाइम पे निकलती है कि नहीं निकलती। और ये जो ट्रेन है बेसिकली इसका रूट थोड़ा सा लंबा है, रुड़की होकर जाती है, इसलिए इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और डिस्टेंस भी, वरना बेसिकली दिल्ली से कोटद्वार का जो डिस्टेंस है अराउंड 208 किलोमीटर्स का है। बट ट्रेन में जो हमको दिखा रहा है डिस्टेंस है 283 किलोमीटर्स का है, ये मुजफ्फर रुड़की ये सब लेके तब जाता है कोटद्वार। ट्रेन निकल चुकी है एकदम करेक्ट टाइम से, 9:45 हमारे ट्रेन का टाइमिंग था, एकदम करेक्ट टाइम से ट्रेन निकल चुकी है आनंद विहार टर्मिनल से। एक और ट्रेन चल रही है हमारे यहाँ, हम यहाँ पर है, साथ एक ट्रेन और चल रही है। तो ये है हमारी सीट, 3 बर्थ हैं, अपर मिडल और लोअर। यहाँ पर चार्जिंग के लिए चार्जिंग सॉकेट है, लाइट के स्विचेस हैं, ऊपर हमारा मिरर है फेस वगैरह देखने के लिए, स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रेन में। ट्रेन में पानी चेक करते हैं, पानी तो आ रहा है बट इंडियन सीट है, बट ट्रेन में साफ सफाई थोड़ी कम है, ठीक है चलो जाने वाले तो आ रहे हैं, तो ट्रेन चली है यहाँ से।
ये है हमारा नजीबाद रेलवे स्टेशन। अभी खड़ी हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर। तो बेसिकली बात करते हैं कि हमारे इस ट्रेन में कितने कोचेज़ हैं। बेसिकली इस ट्रेन में ज़्यादा कोचेज़ नहीं है, आगे दो अपने जनरल कोचेज़ हैं, उसके बाद एक थर्ड एसी है, उसके बाद बाकी बचे हैं सारे ये स्लीपर क्लास। सिर्फ चार बोगी है इसमें स्लीपर क्लास की भी। अभी हो रहा है टाइम 2:50, ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है थोड़ी देर में। चलते हैं जाके बैठते हैं सीट पे। हम सामने लगी हमारी ट्रेन, ये है कुछ नजीबाबाद रेलवे स्टेशन ऐसा दिखता है कुछ ये। अभी हो रहा है टाइम 2:56 और ट्रेन हमारी निकल चुकी है नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से। इसके बीच में एक ही स्टेशन बचा है, उसके बाद हमारा आ जाएगा कोटद्वार। आई थिंक ट्रेन टाइम से पहले ही पहुंच जाएगी कोटद्वार। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है हमारा, वो मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा है। वो आने वाला है स्नेह रोड। अभी जिसका टाइमिंग हमारा है 3:15। तो निकल चुकी है हमारी ट्रेन अभी नजीबाबाद से। नजीबाबाद करते हैं टाटा बाय बाय, वेट करते हैं हमारा कोटद्वार कब आता है। तो फाइनली आ चुका है हमारा रेलवे स्टेशन जिसका नाम हमारा है कोटद्वार, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। अभी ट्रेन रुकेगी तो हम उतरेंगे इससे नीचे। ट्रेन स्लो हो रही है, जैसे स्लो होगी निकल जाएंगे हम बाहर। तो फाइनली ट्रेन हो चुकी है हमारी स्टॉप, हम निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर, सॉरी ट्रेन से बाहर। हम यहाँ पर ज़्यादा लोग है भी नहीं, 15-20 टोटल यहाँ पर लोग हैं पूरे कोच में। निकलते हैं बाहर, दिखाते हैं फिर आपको कैसा है कोटद्वार। ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हम आगे भी सफ़र करेंगे, इसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। अभी मैं कोटद्वार से पहले निकलता हूँ बाहर, सामान वगैरह निकालता हूँ अपना और जाता हूँ प्लेटफॉर्म से सीधा बाहर। दिखाता हूँ आपको कैसा है दिखने में कोटद्वार, क्यों इसको हम उत्तराखंड का द्वार कहते हैं, इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद। अभी यह है कुछ हमारा प्लेटफॉर्म, थोड़ा ऊपर से देखते हैं उसको। अभी रात हो रही तो कुछ दिख नहीं रहा हमारे को। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कोटद्वार। अभी 3:40 हो रहे हैं, जस्ट निकला हुआ स्टेशन से बाहर। तो जर्नी करेंगे हम कंटिन्यू। अभी हम और आगे जाएंगे यहाँ से, दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आपको लैंसडाउन वगैरह जाना है घूमने के लिए तो मैं दिखाता हूँ बस कहाँ से मिलेगी आपको या टैक्सी कहाँ से मिलेगी। 100 रुपये/हेड के हिसाब से आपको लगेगा यहाँ से। तो पहले चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आपको मिलेगी टैक्सी। तो ये है हमारा है कोटद्वार रेलवे स्टेशन। जैसे इससे आप बाहर निकलेंगे तो सामने आपको दिख जाएगा स्टेशन। ये बस स्टैंड भी है एक, तो बस इसमें लगी हुई है, देख रहे जा रही है बस हमारे आगे। थोड़ा आगे जाएंगे हम तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पर GMO का बस अड्डा। अभी निकले हैं हम स्टेशन से बाहर, अब हम जाएंगे राइट की तरफ। जैसे स्टेशन से हम बाहर निकलते हैं रेलवे स्टेशन से तो राइट की तरफ जाएंगे आप, तो आपको दिख जाएगा ये हमारा है GMO का बस अड्डा, कुछ ऐसा दिखता है। अब ये नया बना है, यहाँ से आपको मिलेगी बसेस, लैंसडाउन के लिए मिल जाएगी, आगे जाने के लिए पौड़ी वगैरह जाने के लिए बस मिल जाएगी। आगे की जर्नी करेंगे हमें सॉरी छोटी सी बस से, बस डिग्री छोटी सी आगे इस बस से करेंगे हम अपनी जर्नी कंटिन्यू आगे की तरफ। मैं दिखाऊंगा कि कोटद्वार को क्यों बोलते हैं स्पेशल, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको। अभी तो जैसे मैं अभी ट्रेन से उतरा हूं तो ज़मीन एकदम बिल्कुल फ्लैट है, अभी दिखाता हूं मैं थोड़ी देर के बाद। हम सीधे जाएंगे पहाड़ों में, बेसिकली कोटद्वार को बोलते हैं उत्तराखंड का गेट या द्वार। तो अभी हो रहा है 4:30 और हमारी बस निकल चुकी है कोटद्वार बस स्टैंड से। अभी जैसे ही सुबह होगी तो दिखेगा हमारे को कि हम कहाँ घूम रहे हैं। तो देखिए अभी थोड़ा सा सुबह हो चुकी है, बस हमारी पहाड़ों में आ चुकी है। सामने देख सकते हैं रोड एकदम छोटी छोटी नैरो रोड्स हैं। अभी हम लैंसडाउन नहीं जा रहे, लैंसडाउन से दूसरे रास्ते जा रहे हैं हम, हमारा डेस्टिनेशन कुछ और है। तो जर्नी पर बने रहिए आप और जर्नी को करेंगे हम कंटिन्यू। पार्ट 2 बताऊँगा कहाँ जाने वाले हैं अभी हम, तो फिलहाल अभी आप देखते रहिए और देखिए अभी हम कहाँ पर जाते हैं। तो अभी हम इंटर कर रहे हैं, ये है हमारा जिम कॉर्बेट के अंदर की रोड। देख सकते हैं आप दोनों तरफ हमारा जंगल है गाना और ये है टाइगर रिजर्व एक। तो अभी प्लानिंग करते हैं हम कंटिन्यू, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा आपको हम कहाँ जाने वाले हैं, जो बताऊंगा मैं पार्ट 2 में। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।